अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हमें जो पढ़ने जा रहे हैं वह हम लोग हिंदी मस्जिद बुक का पार्ट 9 बौने के जूते। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बौने के जूते। बौने का अर्थ क्या होता है, जिनकी कद छोटी होती है, उनकी ऊंचाई छोटी होती है, जिसे हम बोलते हैं ना हाइट जिससे छोटी होती है, तो उसे बोला जाता है बौना। ठीक है, तो जो छोटे कद वाले होते हैं उसे बौना बोला जाता है। तो इस पार्ट का नाम है बौने के जूते। तो हम लोग इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि बौने के जूते जो कहानी है आपने उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 9 देखिए, बौने के जूते, पेज नंबर 47। प्रस्तुत कहानी में मेहनती पोची पर आधारित है। ये जो कहानी दिया गया है बौने के जूते, ये किस पर आधारित है, ये एक मोची है, मोची यानी जो जूते की सिलाई करता है, जूते बनाता है, तो उसी के ऊपर आधारित है, यानी ये मोची के ऊपर आधारित है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो ईश्वर उसकी मेहनत को बेकार नहीं होने देता। तो इस कहानी में आप लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मेहनत करता है तो ईश्वर क्या करते हैं, उसकी मेहनत को बेकार नहीं होने देते हैं, उसको उसका मेहनत का फल जरूर देते हैं, उसे कहीं ना कहीं से मेहनत का फल प्रदान करता है। तो जब भी कोई भी इंसान हो, यहाँ पर मोची को दिया गया है, कोई भी इंसान हो, यदि वो मेहनत करता है तो उसका मेहनत का फल कहीं ना कहीं जरूर मिलता है, ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसे उसका मेहनत का फल जरूर देते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में हम लोग मोची के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो मोची के ऊपर आधारित है। हम लोग देखेंगे कि मोची क्या मेहनत किया और उसकी मेहनत का फल कैसे और कहाँ मिला। ठीक है, एक बार की बात है, एक गरीब मोची जलाने की लकड़ी बिनने जंगल में गया। बिनने का अर्थ था चुनना। तो एक मोची था, वो गरीब था, तो क्या करता था कि जंगलों से लकड़ी चुन चुन कर लाता था और उसे जलाकर उस पर क्या करता, उसका उसके घर का खाना बनता था। तो एक बार क्या हुआ, मोची हर दिन की तरह जंगल में गया, किस लिए, लकड़ियों को चुनने के लिए। लकड़ी बिनते बिनते अचानक उसकी नजर एक बौने आदमी पर पड़ी। तो जैसे ही मोची लकड़ियों को चुन रहा था, तभी उसने अचानक से देखा कि एक बौना आदमी वहां पे खड़ा है। वह बौना एक चट्टान पर खड़ा था, चट्टान का अर्थ होता है पर्वत का एक छोटा टुकड़ा होता है, तो उसपे वह खड़ा था। तो आप लोग देख रहे हैं जो बौना है उसकी कद कितनी छोटी है और वह एक चट्टान पे खड़ा है। उसने मोची से पूछा, तुम कितने उदास क्यों हो। तो जो बौना आदमी था जो चट्टान पे खड़ा था, उसने कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो। किसने पूछा, बौने ने उस आदमी से यानी उस मोची से पूछा। मोची ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने मोची को जमीन में एक गड्ढा दिखाया और कहा, घबराओ नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ। मोची उसके पीछे पीछे हो लिया। तो मोची की जब उदासी के कारण उसने पूछा, तो जो मोची था उसने अपनी कहानी बौने आदमी को सुनाया। तो उसने कहा कि घबराओ मत, और उसने यानी जो बौना आदमी था उसने एक उसको गड्ढा दिखाया और बोला कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। भीतर का नजारा अजीब था। तो जब वो गड्ढे में गया बौने आदमी के साथ, तो वहां का जो नजारा था एकदम क्या था, अलग था, अजीब था। बहुत से बौने इधर उधर दौड़ रहे थे। तो उस गड्ढे में जो बौना आदमी मोची को लेकर गया, तो मोची ने वहां क्या देखा कि ये तो गजब है। वहां पर सिर्फ क्या थे, वहां पर सिर्फ बौने आदमी ही थे जो इधर उधर से क्या करते, दौड़ रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में लेप और कुदाली उठाई हुई थी। तो वे जो बौने आदमी थे उनके हाथों में क्या था, लेप और कुदाली थी। वे लगातार गड्ढा खोदते जा रहे थे। तो जो बौने आदमी लोग थे वो क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे, इसलिए उनके हाथों में क्या थी, कुदाल थी, और चमकदार वस्तुओं को ढेर लगाते जा रहे थे। और बहुत सारी चमकदार वस्तुएं यानी जो चमकने वाली थी उसकी मतलब वो खोद रहे थे, और जो उसमें से चमकदार वस्तुएं मिल रही थी उसको क्या कर रहे थे, इकट्ठा करते, जिसकी बहुत सारी ढेर हो गई थी। सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरात से भरे कमरों से होते हुए मोची और उसके साथ एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। तो बौना आदमी उसको अपने पीछे पीछे लेकर जा रहा था मोची को, तो मोची ने क्या देखा कि जो कमरा है वो किससे भरा हुआ है, सोने चांदी हीरे ये सबसे मतलब भरे हुए थे, जिसके कारण इतने चमक रहे थे जिसे लग रहा था कि वहां पर कोई सूरज का क्या है, रोशनी है।
वहाँ लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बौना कुर्सी पर बैठा था। तभी मोशी ने क्या देखा, एक कुर्सी था जिसपे एक बौना बूढ़ा आदमी बैठा था। उन्हें देखकर मोची से बोला, प्यारे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो उन्हें देखकर मोची से बोला कि भाई, मुझे पता है तुम क्यों दुखी हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। क्या तुम हमारे लिए जूते बना सकते हो? तो जो बौना आदमी था मोची से क्या बोला कि क्या तुम हम लोगों के लिए जूते बना सकते हो? मोची ने दुखी होकर कहा, बाबा, आपके लिए जूते बनाना तो मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन मेरे घर में चमड़े की एक लीर तक नहीं है। तो जो बुजुर्ग बौना आदमी था, बूढ़ा आदमी था, जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो उसने मोची से कहा कि क्या तुम मेरे लिए जूते बना सकते हो? तो मोची ने उदास होकर जवाब दिया, बाबा, यदि मैं आपके लिए जूते बनाऊं तो मैं इतनी अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लिए जूते बनाऊं। लेकिन क्या है कि मेरे घर में चमड़ा से क्या होता है, जूते बनता है। तो उसने कहा कि चमड़ा का में एक थोड़ा सा भी चमड़ा उसके घर में नहीं था जिससे वो क्या करे, जूते बना सके। तो उसने कहा कि बाबा, मेरे घर में तो चमड़ा का कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी चमड़ा नहीं जिससे मैं आपके जूते बना सकूं। यदि मेरे घर चमड़ा होता तो मुझे खुशी होती कि मैं आपके लिए जूते बना सकूं। तो लीर का अर्थ होता है टुकड़ा, यानी चमड़े का एक छोटा सा भी टुकड़ा मोची के घर पे नहीं था। चमड़ा खरीदने को घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, फूटी कौड़ी मतलब एक भी पैसे ना होना। तो मोची ने उस बौने, जो बुजुर्ग बौना था, बूढ़ा बौना था, तो उससे क्या कहा कि बाबा, मेरे घर में चमड़े का टुकड़ा भी नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, इतने क्यों एक भी पैसे नहीं जिससे मैं चमड़ा खरीद सकूं। बूढ़े बौने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चमड़े का इंतजाम हम कर देंगे, तुम तो हमें बस इतना बता दो कि जूते बनाने के बदले में हमसे क्या लोगे। तो बूढ़ा आदमी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दुखी ना हो, चमड़े का जुगाड़ हम लोग कर देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम जब हम लोगों के लिए जूते बनाओगे तो उसके बदले हमसे क्या लोगे। कौन बोलता है, जो बुजुर्ग बौना आदमी रहता है, जो बूढ़ा बौना आदमी रहता है, वो मोची से बोलता है कि देखो, चिंता मत करो, हम चमड़े का जुगाड़ कर देंगे, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम हमारे जूते बनाओ तो उसके बदले क्या लोगे। मोची ने उत्तर दिया, बाबा, आप जो भी देंगे उसी में मुझे खुशी होगी। तो देखिए, मोची कितना मतलब मेहनती रहता है, ईमानदार रहता है, वो इतना सोना चांदी हीरा मोती इतना कुछ देखा, वो चाहता तो उसको उसमें लालच हो सकती थी, वो बोल सकता कि हाँ, मुझे सोने चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, लेकिन मोची ने लालच नहीं किया। इसलिए कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा मोची ने कि बाबा, आप अपनी खुशी से मुझे जो दीजिएगा मुझे खुशी होगी, ठीक है। उसने कोई डिमांड नहीं किया कि मुझे इसके बदले सोने चाहिए, इसके बदले चांदी चाहिए, इसके बदले मुझे हीरे मोती चाहिए, उसने कुछ भी नहीं मांगा, जबकि वहां पर ढेर लगी थी। मोची यदि चाहता तो सोने चांदी हीरे सब मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मेहनत आप करें तो उसका अनुसार आपको फल मिल ही जाता है, लेकिन लालच कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मोची ने क्या उत्तर दिया, बाबा, आप अपनी खुशी से मुझे जो भी देंगे मुझे खुशी होगी। रात होने पर मोची के दरवाजे पर खटखट हुई। जब रात हुई तो क्या हुआ, जैसे लगा कि मोची के दरवाजे किसी ने खटखटाया। बौने जूतों के लिए चमड़ा लेकर आए थे। तो जब मोची ने अपना दरवाजा खोला तो क्या देखा, जो बौने आदमी लोग थे वे चमड़ा लेकर आए थे। किस लिए? जूते बनवाने के लिए। मोची ने उनके पांव के नाप लिए और काम शुरू कर दिया। तो मोची ने क्या किया, जो बौने आदमी लोग थे उनके पांव का माप लिया और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, यानी जूते बनाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे जूते तैयार करने में उसे काफी दिन लग गए, छोटे छोटे जूते बनाने में जिसे बहुत ही क्या लगे, दिन लग गए, लेकिन कड़ी मेहनत करने में उसे बहुत मजा आया। लेकिन मोची नहीं घबराया, वह दिन रात एक कर दिया जूते को तैयार करने में, क्योंकि बहुत सारे बौने आदमी थे तो सबके लिए जूते बनाना था और छोटे छोटे जूते बनाने में तो बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं माना, उसने दिन रात एक कर दिया, उसने कड़ी मेहनत
की, न दिन दिखा न रात दिखा और कड़ी मेहनत करने लगा। ठीक है, जब उसने पूरा काम कर लिया तो जुत्ती लेकर बूढ़े बौने के पास गया। जब मौची ने कड़ी मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद सभी ने जूते तैयार कर लिए, तो जो बूढ़ा बौना आदमी था उसके पास मौची जूते लेकर गया। बूढ़े बौने ने उससे कहा, तुमने जूते एकदम ठीक नाप के बनाए हैं। तो बूढ़ा आदमी जब जूता को देखा तो बोला कि तुमने बिल्कुल सही नाप के बनाए हैं, नहीं ये क्या है, अच्छा बहुत छोटा और नहीं उससे बड़ा है, एकदम सटीक माप है, यानी एकदम बिल्कुल सही माप है, तुम एक कुशल कारीगर हो। तो वह जो बूढ़ा बौना आदमी रहता है मोची से क्या बोलता है कि तुम एक कुशल यानी एक अच्छे कारीगर हो जिसने इतने अच्छे नाप के जूते बनाए हैं। क्योंकि जो कुछ ऐसे कारीगर होते हैं जिनसे खराब हो जाता है, ठीक है मेजरमेंट नहीं रहता, माप नहीं रहता है, लेकिन उसने एकदम परफेक्ट जूते बनाए थे। इसलिए उस बौना बूढ़ा आदमी ने कहा कि तुम एक कुशल कारीगर हो जिसमें कोई कमी ना, एकदम परफेक्ट हो, इसके लिए हम तुम्हें कुछ अवश्य देंगे। तो बूढ़ा जो बूढ़ा बौना आदमी रहता है तो बोला कि तुम इतने अच्छे कारीगर, इतने कुशल कारीगर हो, तो इसके बदले हम तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। जब तुम यहाँ से जाओगे तो जंगल के छोर पर तुम एक झाड़ी देखोगे, तुम उसे खींचना और जो कुछ भी तुम्हें मिले उस सबको अपना समझना। तो उस बूढ़ा बौना आदमी ने कहा कि जंगल के छोर पर तुम जाना, छोर का अर्थ होता है एकदम किनारे, एकदम लास्ट में, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम जंगल के छोर यानी जंगल के किनारे जाना और एक झाड़ी खींचना और उससे और वहां तुम्हें जो भी मिले उसे तुम अपना समझकर ले जाना, ठीक है। झाड़ी के नीचे से मोची को सोने के सिक्कों का एक ढेर मिला। तो मोची जब जाता है कहां, जंगल के छोर यानी जंगल के किनारे, तो एक झाड़ी को खींचता है तो वहां क्या देखता है कि सोने के सिक्के वहां पर ढेर लगे हुए हैं। हर सिक्का तारे की तरह चमक रहा था, जितने भी सोने के सिक्के थे वे ऐसे चमक रहे थे जैसे लग रहा था कोई तारा चमक रहा हो। जब उसने उन्हें गिना तो उसने पाया कि वे उतने ही थे जितने जोड़े जूते उसने बनाए थे। तो मोची ने जब सोने के सिक्के गिने तो उसने क्या पाया, उसने जितने जोड़े जूते बनाए थे उसमें उतने सोने के सिक्के थे। अब तो मोची के दिन फिर गए हैं, दिन फिर जाना मतलब भाग्य बदल जाना, जैसे मोची जो था क्या था, गरीब था, अब उसके पास सोने के सिक्के हो गए तो उसके क्या हो गया, उसके पास घर द्वार सब कुछ हो गया, उसने जो भी चाहा था सब हो गया, उसके भाग फिर गया, उसके दिन फिर गए, उसके अच्छे दिन आ गए, ठीक है। गरीबी और दुख हमेशा के लिए छूमंतर हो गए और उससे घर उसके घर की गरीबी और जो दुख के दिन थे वे हमेशा के लिए दूर हो गए। मोची और उसका परिवार सुख के दिन बिताने लगे। तो मोची और उसके परिवार ने जितने दुख काटे थे, जितनी तकलीफें झेली थी, अब वे खुशी से रहने लगे। इसलिए इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, हमें जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं और उनका मेहनत कभी विफल नहीं होता है, और ईश्वर मेहनत करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते, उसका फल वह कभी न कभी जरूर देते हैं। इसलिए आप लोगों को कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपने एक तो देखा कि इसमें कड़ी मेहनत करना चाहिए, किसी भी काम को यदि आपको कोई काम दिया गया है तो उसे कड़ी मेहनत कीजिए, उसे खुशी समझिए कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे ये काम दिया गया है, ठीक है। और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। और दूसरी बात, जब बूढ़े बौने ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए तो मोची ने लालच नहीं किया, यदि वो चाहता तो बोल सकता था कि हाँ मुझे उस सोने दे दीजिए, मुझे हीरे दे दीजिए, तो मोची ने लालच नहीं किया। तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी मेहनत करने से पीछा नहीं हटना चाहिए। आए बात समझ में, तो आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी डाउट हो तो आप लोग को मुझसे क्लास में पूछना है। शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है, शब्दों का अर्थ। अचानक का अर्थ होता है एकदम, जैसे अचानक से कोई हम लोग के सामने आ जाता है, अचानक से लाइट चली जाती है, तो अचानक का अर्थ होता है एकदम। लीड का अर्थ होता है टुकड़ा, लीड का अर्थ होता है टुकड़ा। फूटी कौड़ी का अर्थ होता है एक भी पैसा, यानी एक भी पैसा मोची के घर पर नहीं था। ढाढ़स का अर्थ होता है
हौसला। धाड़ से क्या अर्थ है? हौसला। नाप का अर्थ होता है किसी चीज को तौलना या अंदाजा लगाना। नाप का अर्थ होता है किसी चीज को तौलना या अंदाजा लगाना। छोर का अर्थ होता है किनारे। दिन फिरना का अर्थ होता है स्थिति बदल जाना। मोची के दिन कैसे फिर गया? मोची बहुत ही गरीब था, बहुत ही मतलब दुख के दिन उसके बीत रहे थे। वे लकड़ियाँ चुन चुन कर लाता था जिसमें उसकी जीवा चलती थी। तो जब उसने कड़ी मेहनत की और उसका मेहनत का फल भी बहुत अच्छा मिला जिससे उसकी स्थिति ही बदल गई, उसके परिवार खुशी से रहने लगे। छू मंत्र का अर्थ होता है गायब हो गए। छू मंत्र का अर्थ होता है गायब हो गए। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा, शब्दार्थ आपको याद करना है और जो अभ्यास कार्य है उसे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है।